दोस्तों, अगर आप भी राशिद खान को महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अफगानिस्तान की हार के बाद बौखलाए अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हसन अखंड। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच में 3 विकेट से अफगानिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हसन अखंड का बयान सामने आया। इस दौरान अफगानिस्तान के तालिबानी प्रधानमंत्री हसन अखंड आग बबूला हो गए और उन्होंने आईसीसी के साथ कंगारू पर बेईमानी के गंभीर आरोप लगाते हुए शर्त की पेशकश करते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपके भी कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिर अफगानिस्तान की हार के बाद प्रधानमंत्री हसन अखंड ने कौन सा हैरान कर देने वाला मांग पेश किया, बताएंगे आपको इस पूरे वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान की टीम इस मैच को किस कारण से हार गई, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां पर इस मैच में अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इब्राहिम के 129 रनों के दम पर 291 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाई थी। वहीं हेजलवुड ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 सबसे ज्यादा विकेट लिए। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 91 रनों पर 7 विकेट गंवा चुकी थी। लेकिन इसके बाद मैक्सवेल ने 201 रनों की नाबाद पारी खेलकर मैच को 46.5 ओवर में 3 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस दौरान अजमतुल्लाह, नवीन उल हक और राशिद खान तीनों ने 2-2 विकेट हासिल किए और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की टीम को 3 विकेट से शानदार जीत मिली, जिसके बाद मैक्सवेल की तारीफ पूरा क्रिकेट जगत कर रहा है। इस दौरान अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हसन अखंड ने बड़ा बयान दिया, जिसमें अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हसन अखंड ने बयान देते हुए कहा कि आज के मैच में अफगानिस्तान की टीम को हार मिली है, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा निराश हो चुका हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में अफगानिस्तान की टीम को जीत किसी भी कीमत पर हासिल करनी चाहिए थी। हालांकि हमारी टीम की तरफ से खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद हमारी टीम को जीत नहीं मिल पाई, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा निराश हूं, क्योंकि इस मैच के अंदर हमारी टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था और लगभग पूरे मैच को अपने नाम किया था। लेकिन मैक्सवेल ने जिस तरीके से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान को अकेले हराया, उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम की हार पर आईसीसी और ऑस्ट्रेलिया पर मुझे शक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मैच में फिक्सिंग के चलते हमारी टीम मैच हार गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी टीम की बल्लेबाजी काफी ज्यादा अच्छी थी, गेंदबाजी भी लगभग 19 ओवर तक काफी अच्छी थी, क्योंकि अपने 7 विकेट लिए थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या घटित हो गया कि हमारी टीम के महान गेंदबाज 1 विकेट लेने के लिए संघर्ष करते नजर आए। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आईसीसी और ऑस्ट्रेलिया ने मिली भगत करते हुए मैच को फिक्स कर दिया, जिसके चलते अफगानिस्तान की टीम को हार का सामना करना पड़ा और ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए 1 कदम आगे बढ़ चुकी है। आईसीसी इसकी जांच करे, क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर लग रहा है कि इस मैच को फिक्स किया गया है, और अगर ऐसा होता है तो मेरा आईसीसी से अनुरोध है कि ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर किया जाए या फिर 7 विकेट जाने के बाद दोबारा से मैच कराया जाए, अन्यथा हम जल्द से जल्द आईसीसी पर भी कड़ा एक्शन ले लेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच दोबारा से होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।